के साथ में मुख्यमंत्री जी ने राजीपा करवा दिया, इन तमाम चीज़ों की खबरों में कितनी सच्चाई है कि 15 मिनट तक आपके साथ में बैठे, या आपके बीच में मनमुटाव है, या आप सब कुछ ठीक है, क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री जी, आपको लोगों को याद आई लोगों की गैस की टंकी सस्ती करना या बिजली करना, बीजेपी कह रही इससे पहले क्या हुआ था? 4 साल भी तो आपका राज था। लेकिन आप देखिए ना, कांग्रेस कभी जो गरीब था उसके घर पे सिलेंडर थोड़ी ना पहुंचा पाई, ये तो मोदी जी की देन है कि उज्ज्वला योजना। ये बात करने के लिए वो गैस के सिलेंडर एक बार दिए थे, हाँ। उसके बाद में उनको लोन के रूप में दिए थे, हाँ। और वो गैस अतिवृष्टि हुई, उसका नुकसान क्या हुआ, जनता की शुद्ध लेने के लिए आए थे, और हम साथ में हमारे नेता हैं, नेता के पास बैठे थे, आदि परिवार के अंदर हमारा कोई नाराजगी नहीं है, हम भाई के समान हैं, साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, इसमें हमारी कोई ऐतराज नहीं है। तो इस बार आदित्य परिवार आपके लिए फिर प्रचार करेगा? बिल्कुल प्रचार करेंगे। ये पद्मा योजनाओं के नाम पर चुनाव जीती तो आप देखो ना, 2013 में आप ही उस वक्त MLA थे, आप भी MLA थे, आप भी फिर से चुनाव हार गए थे, उस वक्त बड़ी योजना आई थी निःशुल्क दवाई योजना, आपको पता होगा कितना शोर शराबा, और उसके अलावा भी तमाम चीजें जो बल्ब फ्री दिए थे, ये तमाम चीजों से योजनाओं से आपसे लगता है कि चुनाव के अंदर जीता जा सकता है, या उस वक्त कुछ कमी रह गई थी इस बार वो सम्मानीय स्मृति ईरानी जी, वो गैस का सिलेंडर सिर पे लगा के घूम रही थी और आवाज कह रही थी कि हमारी माताओं बहनों का रसोई का बजट गड़बड़ा। विधानसभा चुनाव में 4-5 महीने का वक्त रहा है, क्या लगता है इस बार सरकार, क्योंकि राजस्थान का इतिहास रहा है हमेशा सरकार चेंज होती है, इस बार भी क्या लगता है कांग्रेस खुद को वापस रिपीट कर पाएगी? क्या हालात लग रहे हैं, आप तमाम इलाकों में जा रहे हैं, सरकार की योजनाओं को लेकर क्या कुछ फीडबैक है? पिछले 4.5 साल के अंदर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब ने जो ऐतिहासिक बजट पेश किया और घोषणा की, और वो घोषणा आज धरातल पे काम चालू हो गया है उसके, और जो नई अभी जो घोषणा हुई है और जो नई जनता के हित की जो योजना लागू की है, जैसे बिजली माफ की बात हो, गैस सिलेंडर की कम करने की बात हो, या लोगों को दवाई की चिरंजीवी योजना हो, या पशुओं के बीमे की बात हो, ऐसी ऐतिहासिक बातें, पेंशन की बात हो, जो आज दिन तक कहीं भी नहीं है, पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य में ऐसी घोषणा नहीं है, और ये धरातल पर उतर के लोगों को फायदा देना स्टार्ट किया, कोई छोटी घोषणा नहीं है, चुनाव के बाद में भी ये घोषणा चालू रहेगी और किसी की ताकत नहीं है कि इसको कम कर सके। इस तहत सरकार की मंशा है और आम जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जनता की सेवा करने वाली पार्टी है, थोथी बातें करने वाली नहीं है, जो थोथी बातें करते हैं, थोथे भाषण देते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को गुमराह करके वोट लेके उसके बाद में जनता की सुध नहीं लेते हैं, इसलिए जनता तय दिल से उतारू है और चुनाव के अंदर वापस कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का राज आएगा और राजस्थान खुशहाली की ओर अग्रसर है, आगे भी कई नई योजना आएगी, नई घोषणा होगी और नए विकास का आयाम होगा। ये ऐतिहासिक विकास और ऐतिहासिक घोषणा ये विदित करती है कि राजस्थान के अंदर 2023 में कांग्रेस आ रही है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि आप कह रहे हो तो 4.5 साल बाद मुख्यमंत्री जी आपको लोगों को याद आई लोगों की गैस की टंकी सस्ती करना या बिजली करना, बीजेपी कह रही इससे पहले क्या हुआ था? 4 साल भी तो आपका राज था। इससे पहले भी कई घोषणाएं हुई है, उस घोषणा के अंदर सुधारा हुआ है। ये गैस की टंकी की बात हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जब मनमोहन सिंह जब राज था उस समय 400 से लमसम कम ही रेट थी, उस समय अभी जो सेंटर के अंदर मंत्री है सम्मानीय स्मृति ईरानी जी, वो गैस का सिलेंडर सिर पे लगा के घूम रही थी और आवाज़ कह रही थी कि हमारी माताओं बहनों का रसोई का बजट गड़बड़ा गया, तो अब आज वो कहाँ गई, वो 1140 रुपये का सिलेंडर बेच रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। परंतु सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल गांधी जी की जनता मिली और जनता की आवाज़ को सुनते हुए अलवर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि गैस का सिलेंडर हम 500 रुपये में देंगे, वो अभी चालू किए। इससे पहले हमने लाइट के बिल, देखिए ना, कांग्रेस कभी जो गरीब था उसके घर पे सिलेंडर थोड़ी ना पहुंचा पाई, ये तो मोदी जी की देन है कि उज्ज्वला योजना। ये बात करने के लिए वो गैस के सिलेंडर एक बार दिए थे, हाँ। उसके बाद में उनको लोन के रूप में दिए थे, हाँ। और वो गैस के सिलेंडर एक बार भरे गए, उसके बाद में उसके ऊपर बोरी बिस्तर डाले हुए माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री, उन्होंने इस गैस के सिलेंडर को बाहर निकाला और अभी
₹500 में गैस का सिलेंडर देने की घोषणा करते हैं। पद्मनाभ जी, अगर योजनाओं के नाम पर चुनाव जीतती तो आप देखो ना, 2013 में आप ही उस वक्त MLA थे, आप भी MLA थे, आप भी फिर से चुनाव हार गए थे। उस वक्त बड़ी योजना आई थी, निःशुल्क दवाई योजना, आपको पता होगा कितना शोर शराबा, और उसके अलावा भी तमाम चीज़ें जो बल्ब फ्री दिए थे, ये तमाम चीज़ों से, योजनाओं से आपसे लगता है कि चुनाव के अंदर जीता जा सकता है, या उस वक्त कुछ कमी रह गई थी, इस बार वो कमी नहीं है? ऐसी बात नहीं है कि योजना तो योजना होती है, योजना को जनता के अंदर लाभ पहुंचाने की जो सेवा करने की भावना है वो सिर्फ कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। उस समय 2013 के अंदर जब चुनाव आया उस समय मोदी जी का बुखार था, और मोदी जी पता नहीं यहाँ आके सबको क्या कर देंगे, उस बुखार के तहत वो हवा कांग्रेस के राजस्थान के अंदर भी हुई और कांग्रेस की सरकार चली गई। परंतु हमने मेहनत की, हमने जनता के बीच में गए, हमारी जो योजना थी, हमारी कार्यशैली थी, हमने जो नीतियां बनाई वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बंद की, उस नीतियों के कारण 2018 के अंदर वापस कांग्रेस की सरकार आई, और हमारी सरकार आते ही जो जन कल्याणकारी नीतियां थी उसको आगे बढ़ाया, और वो आज लागू नहीं किया है। पेंशन हमने पहले चालू की, और चालू करने के बाद में 300 रुपयों के अंदर हमने 500 रुपया किया, और हमारी सरकार बनते ही 750 कर दिया था। चिरंजीवी योजना के दवाई निःशुल्क दवाई योजना चालू की, फिर चिरंजीवी योजना लागू की, फिर 5 लाख का किया, फिर 10 लाख का किया, अब भी 25 लाख का किया। तो ये हम शुरुआत में काम करें, निःशुल्क दवाई योजना, निःशुल्क जाँच है, सब कुछ काम पहले चल रहा है, और जनता का, जनता प्रजातंत्र में माई बाप होती है, और जनता का जो फैसला है, जनता जो चाहती है उसकी भावना के अनुरूप हमने काम किया, और जनता आज दिल खोल के चाह रही है। जो भी सर्वे हुए दूसरे हुए उसके अंदर अशोक गहलोत जी वापिस आ रहे हैं, 2023 के अंदर कांग्रेस का राज आएगा। फिर अशोक गहलोत चौथी बार अशोक गहलोत सरकार, फिर मुख्यमंत्री बिल्कुल चौथी बार राज बनेगा, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पद्मनाभ जी एक चीज़ बताइए, आपके इन 4.5 साल के इलाकों के अंदर कौन कौन से बड़े कामकाज हुए जो आप लोगों को गिनाएंगे इस बार जाकर के, भाई मैंने ये कामकाज करवाया, और कौन से कामकाज जो अधूरे हैं जिसे आप अगले टर्म में करना चाहेंगे? हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले 4.5 साल के अंदर ऐतिहासिक घोषणा हुई और ऐतिहासिक काम हुए, जो भी सड़क की बात हो, PAC की बात हो, CAC की बात हो, उप जिला अस्पताल की बात हो, ट्रामा सेंटर की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर सामान्य गहलोत साहब ने दिल खोल के दिया, और जनता हर क्षेत्र में हर जगह हर वर्ग का काम किया। बच्चों की शिक्षा की बात हो, स्कूल कर्मोन्नति की बात हो, नए छात्रावास खोलने की बात हो, ऐसे कई ऐतिहासिक काम हुए, उसके अंदर पूरी जनता एकदम खुश है, और जनता तैयार है 2023 के अंदर वापिस विजय घोषित करके विधानसभा में भेजेंगे। अशोक गहलोत जी अभी चौटन आए थे, सुनने में आया 15 मिनट आपकी हादी परिवार के साथ में मुख्यमंत्री जी ने राजीपा करवा दिया, इन तमाम चीज़ों की खबरों में कितनी सच्चाई है कि 15 मिनट तक आपके साथ में बैठे, या आपके बीच में मनमुटाव है, या अब सब कुछ ठीक है, क्या लग रहा है? देखो प्रजातंत्र के अंदर सब कुछ होता, हमारे नहीं तो कोई मनमुटाव है, नहीं कोई नाराजगी है, हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, और एक साथ राजस्थान का विकास करने के लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, और मुख्यमंत्री जी जो चक्रवर्ती तूफान आया था, बिजोर जो चक्रवर्ती तूफान के अंदर अतिवृष्टि हुई, उसका नुकसान क्या हुआ, जनता की सुध लेने के लिए आए थे, और हम साथ में हमारे नेता है, नेता के पास बैठे थे, आदि परिवार के अंदर हमारा कोई नाराजगी नहीं है, हम भाई के समान हैं, साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, इसमें हमारी कोई ऐतराज़ नहीं है। तो इस बार आदित्य परिवार आपके लिए फिर प्रचार करेगा? बिल्कुल प्रचार करेंगे। ये पद्मनाभ जी जिन्होंने बड़ा बयान दिया, तमाम तरीके की खबरें आ रही थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, कहीं ना कहीं हादी परिवार है वो कांग्रेस से नाराज है, लेकिन पद्मनाभ जी का ये दावा है कि इस बार हादी परिवार की कोई नाराजगी नहीं है, और फिर से राजस्थान के अंदर चौथी बार गहलोत सरकार बनेगी, और मोदी सरकार पर जमकर बरसे। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वोरा।